देश की राजधानी, देश का सबसे हाईटेक शहर, वहां पे एक लड़की को गाड़ी के बोनट पे जो है 8 किलोमीटर तक शराबी घसीट रहे हैं। उसके बॉडी पे कपड़ा का एक टुकड़ा भी नहीं था, पूरा का पूरा जो है मतलब कि नग्न तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मैटर कुछ और है, रेप हो सकता है या कुछ और हो सकता है। दारू पी के गाड़ी चलाना और लगभग 8 किलोमीटर तक लड़की को घसीटना, कहीं नहीं तो कहीं वो अपराधी ही होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को नशे के हाल में सड़कों पर भटकाने का पूरा बंदोबस्त केजरीवाल अच्छे ढंग से कर लिए। यार ये किस प्रकार का सिंगापुर केजरीवाल जी आप बना रहे हैं दिल्ली को, जहां पे लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अंजलि याद है आपको, जो कंझावला हिट एंड रन केस का शिकार हुई थी? दुनिया भर के तमाम चैनल्स ने उसकी मौत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाने वाले बिहार के लाल मनीष कश्यप ने उस वक्त अंजलि के लिए बेबाक होकर आवाज उठाई थी। उन्होंने इसकी मौत का तमाशा नहीं बनाया था, बल्कि सीधे सरकार से सवाल किए थे। मनीष कश्यप ने हमेशा हिम्मत दिखाई है, सच और दूसरों के हक के लिए आवाज उठाई है। शायद इसकी वजह से आज वो जेल में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। जिस अंजलि के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, आज उस अंजलि की चार्जशीट दाखिल हो रही है। ANI के हवाले से खबर है कि आज दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी कोर्ट में दोषियों के खिलाफ। अब हम आपको इसी अंजलि केस से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जो आपके दिल को झकझोर सकती है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप महसूस कर पाएंगे कि क्या कुछ सहा होगा उस बेगुनाह अंजलि ने। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर शेयर करें। December 31 शाम के करीब 6:30 बजे थे। मैं अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली, जो मैंने किश्त पे खरीदी थी। अपनी दोस्त निधि को साथ लिया और काम के सिलसिले में निकल गई। मेरे काम का ना कोई टाइम फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं इवेंट्स में काम करती थी ना। पापा के जाने के बाद हमारे घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं सिर्फ क्लास 9 तक ही पढ़ पाई। ऐसे में भला किसी ऑफिस में मुझे कैसे काम मिलता? परिवार की कई जिम्मेदारियां थी मुझ पर, और इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर मैं घर से निकली थी। निधि मेरी दोस्त थी शायद, लेकिन उस रात तो उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। एक होटल में हमने कमरा लिया था। अगले दिन नया साल था, चारों तरफ जश्न का माहौल। मुझे नहीं पता था कि मैं नया साल देख ही नहीं पाऊंगी। होटल में कुछ दोस्तों से मुलाकात भी हुई और रात को माँ से एक बार फोन पर बात भी हुई। फिक्र करती थी मेरी बेटी नहीं, उनका बेटा जो थी मैं। 10:30 बजे के बाद उनने फिर फोन नहीं उठाया। मेरे 9 बजे बस फोन उठाया, फिर नहीं उठाया उनने फोन। मैंने बेटा तू घर नहीं आ रही कि मम्मी अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं या तो सुबह के 4 बजे तक आऊंगी या सवेरे आऊंगी, मैं अपनी फ्रेंड के घर रुक जाऊंगी, वहीं पास में घर होगा। तो मैंने ठीक है, मैंने आज ही टाइम से मैंने सब्जी भी लानी है बेटा, हमारे घर का वही बेटा था वही बेटी थी, मैंने कि तुझे सब्जी भी लानी है। हाँ मम्मी मैं ले आऊंगी, मैं सवेरे आऊंगी, बस इतनी बात हुई थी और मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। पता है सुबह मुझे घर के लिए सब्जियां भी ले जानी थी, लेकिन मेरी सुबह तो हो ही नहीं पाई। मैं निधि के साथ स्कूटी पर थी और वो
पीछे बैठी थी, तभी कार आई और मेरी स्कूटी को जोर से टक्कर मार दी। हम दोनों नीचे गिरे, लेकिन मैं उस कार के नीचे आ गई। कई लोग थे उस कार में, चाहते तो कार से उतरकर मुझे बचा लेते, पर वो तो नशे में थे। और फिर मैं उनकी थी ही कौन, इसलिए उन्होंने मुझे शायद अपनी बलेनो कार से कुचलना ही बेहतर समझा। फंसी हुई थी मैं उस कार में, चीख रही थी, और वो मुझे किसी सामान की तरह अपनी कार से दिल्ली की पथरीली सड़कों पर घसीटते रहे। मेरे जख्म गहरे हो रहे थे और मेरी रूह चिल्ला रही थी। पता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी मैं लड़ रही थी मौत से, इस आस में कि शायद कोई तो मुझे देख लेगा, कोई तो मुझे बचा लेगा। मदद की गुहार लगाती रही मैं, मेरी सांसें भी जख्मों से भर गई थी, लेकिन फिर भी एक आस थी मुझे मदद की। पर कोई नहीं आया मुझे बचाने, कोई नहीं आया, ना पुलिस, ना लोग, नहीं वो दरिंदे जिनके लिए मैं सिर्फ एक खिलौना बन गई थी। पता है, मैं जीना चाहती थी अपनी माँ के लिए, अपने छोटे बहन भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरे भी आंखों में कई सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मेरी बीमार माँ का इलाज भी तो मुझे ही कराना था, अपने भाई बहनों और माँ के लिए कमाई का इकलौता जरिया थी मैं। बस इसीलिए मैं जीना चाहती थी। कई किलोमीटर के उस पूरे सफर में मैं लड़ती रही, और घंटों तक मौत से लड़ने के बाद मेरी सांसें थमने लगी, मेरे आंसू भी सूख गए और मेरा दर्द भी हल्का हो गया। शायद मेरे बदन में खून का कतरा भी नहीं बचा था, और ना ही बदन पे कोई कपड़ा जिससे मैं खुद को ढक पाती, और मैं हार गई। हार गई एक बार फिर भारत की वो बेटी जो उड़ना चाहती थी, हार गई। आज मैं तो नहीं हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद कुछ लोग समाज और प्रशासन की गलतियों को छुपाने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लग गए हैं। मेरे भी कुछ सवाल हैं उन लोगों से, मैं कहाँ थी, क्या करने गई थी, ये तो मेरा पर्सनल मैटर था। मेरे दोस्त लड़के थे या लड़की, ये तो मेरा पर्सनल मैटर था। इससे लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को क्या लेना देना। मुझे बस ये जवाब चाहिए कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, सरकार, पुलिस, वो दरिंदे या कोई और, मेरे दर्द का हिसाब कौन देगा। मेरे अपनों के दिल पर लगे जख्म, उनकी तकलीफों का हिसाब कौन देगा। मेरी माँ की मंगाई सब्जियां अब कौन लाएगा, मेरे भाइयों को अब कौन पढ़ाएगा, मेरी माँ का इलाज अब कौन कराएगा।
मेरे जैसी लाखों करोड़ों लड़कियों की सुरक्षा का हिसाब कौन देगा? मेरा सवाल है उस दिल्ली पुलिस से जो हम जैसी लड़कियों की सुरक्षा का वादा करती है। दिल्ली पुलिस को ये जवाब देना होगा कि जब मैं चीख रही थी, जब मैं चिल्ला रही थी, मदद की गुहार कर रही थी, तब वो कहाँ थी? पुलिस का वो दावा कहाँ था जब उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा सख्ती होगी? करीब 20,000 पुलिस सड़क पर होगी, तो कहाँ थे ये 20,000 पुलिस वाले? इनमें से कोई एक भी मुझे बचाने क्यों नहीं आया? 12 किलोमीटर तक एक भी पुलिस वाले ने मुझे कैसे नहीं देखा? मैं एक आम लड़की थी, तो क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी? जवाब चाहिए मुझे कि शराब पिए उन दरिंदों का रोड पर अल्कोहल टेस्ट क्यों नहीं किया गया? अब सीसीटीवी फुटेज आ रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अगर नए साल के उस जश्न के बीच पुलिस हम जैसी आम लड़कियों की सुरक्षा में सख्ती बरतती, तो शायद आज मैं जिंदा होती। उम्मीद है ये आवाज प्रशासन के कानों तक जाएगी और अंजलि के दोषियों को अब जरूर सजा मिलेगी। अंजलि और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, इसी बात की उम्मीद हम भी जता रहे हैं। दोबारा ऐसा दर्दनाक हादसा पुलिस की लापरवाही के कारण तो नहीं होगा? कैसी लगी हमारी खास रिपोर्ट कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहें इंडी टाइम्स।